नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और एक रुचिकर निबंध को आगे बढ़ाते हैं। कौन सा? दांत भाई। तो दांतों के बिना क्या है? कुछ भी नहीं है। दांतों के बिना अपन खा नहीं सकते। और सबसे मेन बात, जो किशोरावस्था के बालक अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं, अब एक पल के लिए आप सोचिए कि आपके पास दांत ही नहीं है, आप सुंदर दिखेंगे कैसे? क्यों? क्योंकि आपको सुंदर दिखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए अपन इस निबंध को भी आगे बढ़ाते हैं। और निबंध किसके द्वारा रचित है? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध को अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे। तो प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा रचित निबंध को इस क्लास में पढ़ रहे थे और निबंध का नाम था दांत। शुरुआत कहां से हुई निबंध की? निबंध की शुरुआत हुई कि देखिए, मात्र दो अक्षर का शब्द है ये, दा ते, ठीक है, दो अक्षर। या फिर अपन कहें कि मोटे तौर पर अगर माने, ज्यादा विश्लेषण नहीं करना, निबंध पढ़ रहे हैं, तो जो दो वर्ण है उन दो वर्णों से बना हुआ शब्द है और बिल्कुल छोटी छोटी हड्डियों का बने होते हैं, छोटी छोटी हड्डियों के, परंतु काम इतने करते हैं कि इनके बिना साहित्य भी अधूरा, मनुष्य भी अधूरा। और कहते हैं कि ये मनुष्य के पास होते हैं दांत, परंतु मजाल है कि दांतों वाला व्यक्ति भी इनका वर्णन पूरा कर सके। क्यों? कहां तक करेगा? किस किस चीज के बारे में बताएगा? हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है, चाहे सौंदर्य के क्षेत्र में मान लीजिए, साहित्य के क्षेत्र में मान लीजिए, चाहे रसों के ग्रहण के संबंध में मान लीजिए, ठीक है। और यहां पर लेखक यूं भी कहता है कि साहित्य में हर जगह इनका स्थान रहा है। किस 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 क्षेत्र में? तो पाक शास्त्र में भी रहा है। पाक शास्त्र का मतलब है कि व्यंजनों के स्वाद के संबंध में भी रहा है, साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में जो नव रस होते हैं उनके लिए भी दांतों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कैसे? तो अपन सभी नौ रसों को जोड़कर अब यहां पर पढ़ेंगे। प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि भाई, दांतों का जो वर्णन है वो यदि सौंदर्य और स्वाद के क्षेत्र में ले, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात कर लीजिए जिसके पास दांत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि स्वाद के क्षेत्र में इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि बेचारे वो सत्तू चाटने या चाय में या दूध में डुबोकर रोटी को गले उतारने या सब्जी में भिगोकर रोटी को गले उतारने के अलावा किसी भी व्यंजन का रस चख ही नहीं सकते, रस प्राप्ति नहीं कर सकते। तो आप उनसे पूछ लीजिए, बाकी सुंदरता के बारे में आप स्वयं जानते हो। और नव रसों की, साहित्य के नव रसों की बात है तो उसका विश्लेषण हम कर देते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं कौन कौन से नव रस होते हैं और दांतों में उनका क्या क्या योगदान रहता है। तो पहले रस की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रस राज श्रृंगार की अपन बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस में दांत किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं? देखिए, कोई नायिका जिसकी दांतावली का मतलब होता है दांतों की पंक्ति का चित्रण कर लेखक अपने साहित्य को या कवि अपने साहित्य को और भी अधिक सुंदर बना लेता है। और मजाल है कि किसी भी कवि ने किसी भी नायिका के गोरे कपोल के साथ इस रद्द छद का वर्णन नहीं किया हो। कोई भी नायिका जिसकी दांतावली का चित्रण नहीं किया, तब तक चित्रण अधूरा है। हालांकि उसकी जो चोटी है, वेणी है,
उसका वर्णन किया जाता रहा है, भ्रू का वर्णन किया जाता रहा है, गोरे कपोल का वर्णन किया जाता रहा है, आंखों की तीक्ष्णता यानी कटाक्ष बाण का चित्रण किया जाता रहा है, परंतु वो सभी का सभी चित्रण है, वो इसके बिना अधूरा है। मनुष्य का सौंदर्य इसके बिना अधूरा है। लेखक तो यहां तक कह देते हैं कि चाहे ये नौ रस हो और चाहे वो स्वाद के छह रस हो, इसके बिना किसी का भी कोई मोल नहीं है। आप बहुत सुंदर हो परंतु दांत नहीं है, बताइए आप सुंदर हो कि नहीं हो? कल्पना ही इतनी अजीब लग रही है। तो इसलिए यहां पर ये कहते हैं कि कोई भी नायिका की यदि दांतावली का चित्रण नहीं किया हो, ऐसा कोई भी कवि नहीं है, और ऐसा भी कोई भी कवि नहीं है जिसने उसकी नायिका के गोरे कपोल के साथ रद्द छद, रद्द का मतलब होता है दांत, तो छद का मतलब पंक्ति, तो रद्द छंद या रद्द छद दोनों ही प्रकार के शब्द मिलते हैं, तो दांतों की पंक्ति का वर्णन उसके गोरे कपोल के साथ नहीं किया हो, ऐसा कोई भी कवि नहीं है। हाँ, वर्णन दो प्रकार से होता है, कहीं तो यूं है कि मिस्सी, अब मिस्सी कोई ऐसा पदार्थ है जिससे हल्का रंग आ जाता है। आपने देखा होगा कि एक छाल होती है ना पीपल के पेड़ की, छोटा, राजस्थानी भाषा में जिसे अपन छोटा बोलते हैं, उस जैसा कोई पदार्थ आता है जो लकड़ी सी होती है जिसको औरतें चबाती है अपने होंठ लाल करने के लिए। पहले ज्यादा चबाती थी, आजकल तो ऐसा नहीं देखा, तो वो जो होता है वो मिस्सी कहलाता है। इसके साथ साथ पान, कुछ औरतें अपने दांतों में हल्की लालिमा लाने के लिए पान खाती है, तो कहते हैं कि चाहे मिस्सी से चाहे पान से, उनका रंग धुंधला पड़ा हुआ हो, धुंधला रंग, चाहे कवि उसका वर्णन कर दे, चाहे सीधे सफेद चमकदार दांतों की पंक्ति का वर्णन कर दे, परंतु कवि दांतों से अछूता नहीं रहेगा, छुएगा जरूर, अर्थात तो उनका वर्णन जरूर करेगा। तो श्रृंगार रस में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। कैसे? श्रृंगार रसों का राजा है, और श्रृंगार चित्रण जब करते हैं, नायिका के सौंदर्य का चित्रण जब करते हैं, तो उसकी दांतावली के बिना उसका चित्रण अधूरा है। हर एक कवि उसके गोरे कपोल के साथ उसकी दांतों की पंक्तियों का सुंदर चित्रण जरूर करता है, और ऐसा कोई भी कवि नहीं है जिसने कहीं भी दांतों की पंक्ति का सुंदर चित्रण नहीं किया हो। हाँ, ये जरूर है कि दांतों का दो रूपों में चित्रण किया जाता है, कहीं कहीं कुछ कवि तो मिस्सी या पान से धुंधले पड़े हुए या हल्के लाल रंग के होए हुए दांतों को अधिक पसंद करते हैं, तो उनका वर्णन ज्यादा करते हैं, और कुछ कवि ऐसे हैं जो सफेद चमकदार दांतों का वर्णन बहुत अधिक करते हैं। और आपने टीवी में एड देखा होगा, दांत अगर चमकीले हैं तो सब आपकी तरफ आकर्षित भी होते हैं, तो इसलिए दांतों की पंक्ति सौंदर्य में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये तो हुई पहले रस की बात, और पहला रस कौन? श्रृंगार। ठीक है, तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, आप देखना चाहते हो, बीए फाइनल ईयर की क्लास है, एग्जाम 100% होने वाली है, तो आप यदि, हाँ, और मैं बता देती हूँ इसमें मेरी कोई लिपापोती नहीं है, सारे के सारे प्रताप नारायण मिश्र द्वारा बताए गए शब्द हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में यदि आप कभी पढ़े तो आपको ये चीज याद आ जाए। अपनों ने पहले तो देखा श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस में अपनों ने देख लिया कि श्रृंगार रस अधूरा है बिना दांतों के। आइए दूसरे रस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रस महत्वपूर्ण कौन सा माने? हास्य मान लीजिए, हास्य रस। आजकल दांतों वाली स्माइल ज्यादा चल रही है, लोग बाग फोटो भी बनवाते हैं तो दांतों वाली स्माइल से, तो ये जो हास्य रस है इसमें कहते हैं कि हंसते हंसते, लेखक कहते हैं कि हंसते हंसते यदि दांत बाहर नहीं निकले, दांत बाहर निकले का मतलब है कि दांत दिखना, दांत बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि ऐसे बड़े दांत हो, तो यहां पर हंसते हंसते कि दांत नहीं बाहर निकले या दांत नहीं दिखाई दे
तो वो है स्माइल या फिर मुस्कुराहट जो है, मुस्कुराहट वो ही अधूरी मानी जाती है, अधूरी मानी जाती है। हालांकि ये बात अलग है, हंसते टाइम दांत दिखाते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मक्खी लात न मर जाए। और ये बात भी मैं नहीं कह रही, मिसर जी स्वयं कह रहे हैं, मिसर जी कह रहे हैं कि ये बात अलग है कि कोई दांतों वाली स्माइल कर रहा है और उसी समय कोई मक्खी लात मार जाए। कहते हैं ना कभी कभार कुछ आश्चर्यचकित होकर और मुंह खुला को खुला छोड़ देते हैं, तो कहते हैं ना कि मुंह बंद करो मच्छर चला जाएगा, मक्खी चली जाएगी। तो उसी प्रकार से लेखक यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र हंसते हंसते व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बातों को प्रकट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हास्य रस भी तब तक अधूरा है जब कोई व्यक्ति हंसते हंसते अपने दांतों की पंक्ति न दिखा दे। और जैसे ही उसने हंसी दिखाई, अपनी दांतों की पंक्ति दिखाई, तो उसकी मुस्कुराहट में चार चांद लग जाते हैं। अगले रस की यदि अपन बात करते हैं तो अगला रस आता है करुणा। अब करुणा क्या होता है, यदि कहीं पर किसी के सामने दीनता प्रकट करनी हो तो दांत भी दिखाने पड़ते हैं। दांत दिखाने का मतलब हंसना नहीं, मुझे मैं बहुत गरीब हूँ, भिखारियों को देखा ना ऐसे, मैं बहुत गरीब हूँ मुझे कुछ चाहिए, कौन देगा आपको, कुछ नहीं देगा। दांत दिखाकर दीनता प्रकट करके सामने वाले के हृदय में करुणा प्रकट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर दांतों के बिना जो है वो करुणा रस भी अधूरा है। और दांतों की आवश्यकता किसके लिए पड़ती है, दीनता प्रकट करने के लिए दांतों की आवश्यकता भी पड़ती है। तो दीनता प्रकट करने के लिए भी दांत आवश्यक है। बाद में बात करते हैं रौद्र की। अब ये जो रौद्र है इसका मतलब क्रोध। आपने सुना होगा कि वो दांत पीस रहा था। क्रोध तो प्रकट ही नहीं होता अगर दांत नहीं हो। बुजुर्ग व्यक्ति तो जिसके मुंह में दांत नहीं है वो तो क्रोध प्रकट ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब तक दांत नहीं पीसते तब तक क्रोध प्रकट नहीं होता। और कहते हैं कि जब व्यक्ति को बहुत तेज गुस्सा आता है तो वो अपने दांतों से अपने ही होंठ भी चबाने लगता है। यानी दांतों का दोनों रूपों में योगदान रहता है यदि आप क्रोध प्रकट कर रहे हो। किस रूप में? यदि आप होंठ चबा रहे हो तो भी दांतों का योगदान है। और यदि आप दांत पीसकर का मतलब है कि दांतों को यूं रगड़ देकर दांत पीसकर भी क्रोध प्रकट कर रहे हो तो भी इसका योगदान होता है, तो भी इसका योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दांतों के बिना तो कुछ भी नहीं है, न श्रृंगार है, न हास्य है, न करुणा है। अरे करुणा जैसा भाव यदि दांतों के बिना प्रकट नहीं हो रहा, करुणा रस की उत्पत्ति यदि दांतों के बिना नहीं हो रही, तो फिर रौद्र की तो बात ही क्या करें। क्रोध या रौद्र रस तो दांतों के बिना बिल्कुल अधूरा है। तो यहां पर भी स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये चीज भी पूरी की पूरी मिश्र जी द्वारा बताई गई है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बातें करेंगे आगे। एक रस की बात और कर लेते हैं अपन यहां पर, विभत्स या भयानक की कर लेते हैं। ऐसे कह रहे हैं कि यदि भयानक रस, भयानक का मतलब भय लगना, कोई भी ऐसी भयानक चीज जिसको देखकर आप डर गए, आप भयभीत हो गए, तो लेखक कहता है कि यदि भयानक रस की उत्पत्ति करनी है तो आप शेर या व्याघ्र आदि लिखते हैं, वो व्याघ्र आदि, शेर, बाघ आदि, तो बाघ, शेर और बाघ के दांत देख लीजिए, भय अपने आप अपने अंदर प्रकट हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जो भयानक रस है वो भी शेर और बाघ के दांतों से प्रकट हो सकता है। और कहते हैं कि ये भी दांत भी आप दिन में देखिए, रात को देखेंगे तो और भी अधिक दुविधा हो सकती है, और भी अधिक बुरा हो सकता है, बुरे सपने भी आ सकते हैं, सपने में भी शेर आ सकता है। एक बार तो हुआ भी ऐसा था, मैं भी गई थी
तो जंगल के बीच गई, एक शेर मिल गया, शेर मिल गया, शेर ने मुझे देखा, मैंने शेर को देखा, शेर ने पंजा उठाया, मैंने हाथ उठाया, उसी समय मैंने टीवी बंद कर दिया। क्या बात कर रहे हो, भयानक रस की उत्पत्ति, यानी नाम लेने से ही डर लगता है, तो कोई शेर के सामने जाएगा क्या? तो यहां पर जो भयानक रस है उसमें भी दांतों का बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, तो आगे अपन एक बार अपने पीछे का दोहरान कर लेते हैं ताकि अपनी ये चीज क्लियर हो जाए। यहां पर नौ के नौ रस अपने को देखने हैं, शांत रस भी अपन देखेंगे, विभत्स रस भी अपन देखेंगे, वो चीजें भी देखेंगे, परंतु आज की क्लास में अपनों ने क्या देखा, श्रृंगार। यहां पर मैंने आपको बताया कि जो श्रृंगार है उसे रस राज कहा जाता है, यानी सभी रसों का राजा कहलाता है। तो इसकी उत्पत्ति भी बिना दांतों के नहीं हो सकती। उसके बाद अपनों ने देखा हास्य, तो हास्य भी दांतों के बिना उत्पन्न नहीं होता। उसके बाद अपनों ने देखा करुणा, तो करुणा में भी दीनता प्रकट करने के लिए दांतों की आवश्यकता रहती है। उसके बाद अपनों ने रौद्र देखा, रौद्र यानी क्रोध, तो क्रोध तो बिना दांत पीसे तो प्रकट ही नहीं किया जाता। और उसके बाद अपनों ने देखा भयानक, यदि भयानक रस की उत्पत्ति करनी हो तो भी आप शेर बाघ आदि के दांतों को देख लीजिए। और यदि कोई माँ घर में गेस्ट आए हैं, बच्चा शैतानी कर रहा है, तो उसको डराती है, तो कैसे डराती है, दांत दिखाकर डराती है। तो इसलिए दांतों का योगदान हर जगह रहता है। अभी अपनों ने यहाँ पर कितने रसों की बात की है, सिर्फ पांच, चार और भी बचते हैं, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।